पागल मम्मा ये छोटू हनुमान है ना हाँ? राशि दीदी से भी लंबा हो गया अच्छा? बस स्वेरिल कितना है मम्मा ये हनुमान है ना इसकी लंका में ना आग लगा देगा आग लगाएगा तू आग लगा ना मैं आग लगाऊंगी समझा कट इट आउट स्टॉप इट सुबह सुबह लड़ाई स्टॉप इट ओके राशि स्टॉप और तू सचू रुको यहीं पर है गए रावी रावी बेटा जल्दी कर थोड़ा तेज तेज चला कर हाँ सुबह जल्दी उठ जाए कर रानी बेटी मेरी मम्मा हाँ सच एक बात बोलती हूँ एक दिन ना तेरे की वजह से जरूर स्कूल मिस करूंगी और रानी अच्छा बस स्कूल में जाओ पढ़ाई करो अच्छी तरह से और आपस में लड़ना नहीं हाँ मेरी राजकुमारी ओके मम्मा डब्बा हाँ ओ हाँ मम्मा डब्बे में क्या है सैंडविचेस बस सैंडविचेस ही दो हाँ कुछ हेल्दी नहीं दे सकती मासी की तरह कल से मासी को बोलती तुझे डब्बा देने के लिए माता रानी प्लीज हनी को फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जिता देना प्लीज मेरी बच्चियाँ माता वैसे सब कुछ रख लिया ना हाँ हाँ हनुमान की पूंछ हाँ हनुमान का मुंह हाँ मेकअप हाँ वाटर बॉटल हाँ और सनी की किताबें नहीं आज स्कूल नहीं है ना हाँ वैसे मैंने भी सब कुछ रख लिया है बैग रख लिया है फॉर्म रख लिया है टिफिन रख लिया है बीपी की गोली ले ली है रिलैक्स जीत आप क्यों टेंशन ले रहे हैं मुझे आधे से ज्यादा दिन पापा जी के साथ गुजारना है तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पापा जी कोई हुआ बेचारे पापा जी अरे नहीं जान मेरा वो मतलब नहीं था तुम तो जानती हो पापा जी के सामने मैं कितना नर्वस हो जाता हूँ वैसे अगर आपने अभी इसी वक्त गाड़ी स्टार्ट नहीं की ना तो पापा जी वहाँ वेट करेंगे और आप लेट हो जाएंगे नेवर पापा जी के साथ और वो भी लेट लेट्स गो पापा आप नानू से डरते हो हाँ बेटा नानू सबसे स्ट्रांग है हाँ मौसा जी से भी स्ट्रांग हाँ लेकिन लकी मौसा जी के पास तो गन है वो तो नानू को शूट कर देंगे लेकिन हनुमान जी के पास गन क्यों नहीं है चुपचाप बैठे रहे कंपटीशन है ना चुपचाप बैठ आप चलिए ना चलो रानी कहाँ से ये सब सीख सीख कर आ जाते चलो चलो सनी चलो बाबा चलो बैग 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 हाँ हाँ ये लो तुम्हारा बैग ये लो क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं अरे ऑल द बेस्ट डू वेल चलो बाय बाय ओके बाय 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 चल 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 फिर क्या हुआ क्या कहा मासी ने मुझे इतना बुरा लग रहा है राशि मतलब मैंने उन्हें कई बार सॉरी बोला एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए थी पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि इट्स ओके होता है यही है ना गिनी हाँ नेचर अरे ऐसे लोगों की वजह से ही तो स्कूल का नाम डूबता है और वो तो अच्छा हुआ कि उस ऐश्वर्या ने लास्ट मोमेंट पर गाने के लिए एग्री कर लिया कम से कम कंपटीशन में अपनी नाक तो नहीं कटेगी अब स्टेज पर गाने से डर लगता है तो अपना नाम क्यों दिया था नेक्स्ट आप ये बहन से कहना बाथरूम सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट ले ये अगर एक और शब्द भी कहना तो मैं तेरी शर्ट फाड़ दूंगी ए? और चाहे जिसे कंप्लेंट करनी कर दे मैं किसी से नहीं डरती अरे यार राशि क्या कर रही है छोड़ ना अरे छोड़ ए तू जा यहाँ से चल चल लोगे मुंह हाथ लग छोड़ क्या कर रही है चल बैठ गाइस सब रेडी है ऑक्स केबल कनेक्शन बॉक्सेस वायर सब रख लिया यस सर किरा का है वो बाकी लोगों के साथ कॉस्ट्यूम लेके वहीं पहुंचेगा तो आओ चलो हम अपने वेलविशर से मिलके आते कम ऑन गिन्नी ये दोनों जो नंबर्स हैं पहले आप इनको मल्टीप्लाई करो फिर इसका जो आंसर आएगा देन यू नीड टू डिवाइड इट डू वन थिंग ये क्वेश्चन एक बार फिर दोबारा से पढ़ो तुम गिन्नी जी मैम आई एम सेइंग ये क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो एक्सक्यूज मी मैम फ्रेंड्स आपको पता है ना हमारा स्कूल का रॉक बैंड आज परफॉर्म करने वाला है Cheer them. Ah,
जी मैम। नितिन, ऑल द बेस्ट। इट्स फाइन। हाँ बेटा, खड़ा रह तू, ठीक से बस लगा ना। जल्दी जल्दी हो गया। हेलो, टाइम हो गया है, चलो कम ऑन कम ऑन, बच्चों को भेजो स्टेज पे, चलो जल्दी जल्दी फटाफट। पेरेंट्स, आप लोगों को ऑडियंस में जाना है, बैक स्टेज किसी के भी पेरेंट्स को अलाउ नहीं है। जी जी जी, दो मिनट, कम ऑन, चलिए चलिए, दो मिनट दो मिनट, ओके फास्ट। हाँ थैंक यू, फास्ट। मम्मी जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। रेडी? हाँ, गुड बॉय, नर्वस नहीं होना। हाँ ओके, गो सनी, ऑल द बेस्ट। अरे सनी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, मेरा नाम स्वीटी अहलुवालिया है। ओ हाँ, ऐश्वर्या ने बताया था, आइए ना। प्लीज, ऐश्वर्या अभी तैयार हो रही है, आइए। आइए ना, ये ऐश्वर्या के फादर हैं। नमस्ते जी। सॉरी, मैं अपना नाम तो बताना भूल ही गई। वो जी मैं बताता हूँ, ये है गीता और मैं हूँ आनंद। गीता आनंद, वाओ, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने खुद जोड़ी बनाई। और आपके घर का माहौल भी ना एकदम मंदिर की तरह पवित्र है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। वैसे आपकी बेटी तो गाती है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा गाती है। इस रॉक कॉम्पिटिशन में गिन्नी गा रही थी, जिसमें अब ऐश्वर्या गा रही है ना। एक्चुअली मेरे और गिन्नी के बीच ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसकी वजह से गिन्नी ने कंपटीशन से अपना नाम ही हटा लिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी बेटी की खुशी के आड़े आ गई। अगर आपकी बेटी को मैं ऐश्वर्या। सॉरी आंटी, जब आपने मुझे फोन किया था तो मैं वो टेलर के यहाँ गई थी। तुम तो गिन्नी से बड़ी हो। हाँ आंटी, मैं तो 10th में हूँ। वो राज सर ने मुझे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर दी तो मैंने हाँ कह दी इस कंपटीशन के लिए। ये सारी ट्रॉफीज ऐश्वर्या की हैं? नहीं नहीं, सब नहीं, कुछ मेरी है, कुछ मेरे भैया के हैं, वो अमेरिका में पढ़ते हैं, और कुछ मम्मी डैडी की भी है। डैडी तो क्लासिकल म्यूजिक सीखे हुए हैं लेकिन वो भजन गाते हैं, और मम्मी ने तो संगीत में डॉक्टरेट की है, वो भी साथ गाती है। मतलब मम्मी पापा भजन गाते हैं और तुम रॉक गाती हो? वो जी इसमें क्या है, संगीत तो संगीत है। हाँ जी, संगीत तो संगीत है। वैसे बेटा, 10th के बाद क्या करने का इरादा है? वैसे आंटी, मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी, मगर मम्मी डैडी ने मुझे समझाया कि बेटा तेरे दिल में जो आए ना तू वही कर, तो फिर मैंने म्यूजिक चुन लिया। और आप लोगों ने इसे म्यूजिक करने दिया। वैसे बेटा, मैं ना तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि जो रिक्वेस्ट मैं करने जा रही हूँ वो बहुत ही स्वार्थी है, बहुत सेल्फिश है, लेकिन एक माँ के नाते मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। बेटा, मेरी वजह से गिन्नी इस कॉम्पिटिशन में नहीं गा रही है, आज मेरी वजह से गिन्नी दुखी है, मैं उसे उसकी खुशी वापस करना चाहती हूँ, अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो ना तो। इट्स ओके आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पार्ट लेने वाली थी, मगर गिन्नी ने बहुत मेहनत की है इस कॉम्पिटिशन के लिए, रॉक कॉम्पिटिशन में बस गिन्नी ही गाएगी। मतलब तुम नहीं कहोगे? थैंक यू। और आप दोनों को भी बहुत बहुत थैंक यू जी, आप लोगों से मिलकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा।
ऐसा लगा जैसे बाबा जी चाहते थे कि मैं आकर आप लोगों से मिलूं। वो चाहते थे कि मैं गलती करूं ताकि मैं कुछ सीखूं। पता है, आप लोगों से मिलकर और आपकी बेटी के संस्कार देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे परवरिश करने के तरीके में बहुत कमी, मुझे भी बहुत कुछ सीखना बाकी। हर माँ को ऐसा ही लगता है, परवरिश कभी पूरी थोड़ी होती है। मेरे पापा तो अब तक मुझे डांट देते हैं ये कहकर कि मैं इनका ध्यान नहीं रखती हूँ ठीक से। आंटी, कंपटीशन आज है। हाँ, आज ही है कंपटीशन। बिल्कुल, मैं चलती हूँ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.